नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राहत पैकेज की पांचवी और अंतिम किश्त रविवार को वित्त मंत्री सुबह 11 बजे देंगे ब्यौरा। चौथे दिन वित्त मंत्री ने किया ऐलान, 500 माइनिंग ब्लॉक की होगी नीलामी। डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाया। दिल्ली के सुखदेव विहार में प्रवासी मजदूरों से मिले राहुल गांधी। पुलिस ने मजदूरों को हिरासत में लिया, कहा ऊपर से आदेश के बाद लिया गया एक्शन। प्रवासी मजदूरों को बसों से भेजने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी सरकार को लिखी प्रियंका गांधी ने चिट्ठी, दिल्ली यूपी बॉर्डर से 1000 बसें चलाने की मांगी अनुमति। औरैया हादसे पर विपक्ष ने घेरा, प्रियंका ने कहा मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। समाजवादी पार्टी ने कहा ये हादसा नहीं हत्या। बीजेपी बोली सियासत का वक्त नहीं, 24 मजदूरों की हुई है मौत। और पंजाब में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा नॉन कंटेनमेंट जोन में दी जाएगी रियायत। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ की पांचवी और अंतिम किश्त का ब्यौरा सरकार रविवार को देगी। इससे पहले शनिवार को चौथी किश्त का हिसाब दिया गया। वित्त मंत्री ने कुल 8 सेक्टर में सुधारों का ऐलान किया, कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में सुधार का ऐलान किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार कोयला क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ का निवेश करेगी। साथ ही कोल सेक्टर में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 500 कोयला खदानों की नीलामी करेगी। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए सरकार मिनरल इंडेक्स बनाएगी और टैक्स सिस्टम भी आसान किया जाएगा। कमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस वुड हेल्प मोर कोल अवेलेबिलिटी and also more coal availability at market prices. 50,000 crores will be spent by Government of India for creating evacuation infrastructure. Because after the coal is mined, brought to the pit head, you don't have enough right kind of infrastructure to have this coal, mined coal, evacuated from there. So 50,000 crores is being given to ensure that evacuation infrastructure is provided. A boost given for growth of the sector, better employment potential and bring in state-of-the-art technology is to now have a seamless composite exploration come mining come production regime. We would also like to remove the distinction between captive and non-captive mines. So that will also help in transferring of mining leases and sale of surplus and sale of unused minerals. Commercial mining of coal on a revenue. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन सेक्टर में भी सुधार का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करेगी। साथ ही एयर स्पेस को सुगम बनाने का फैसला लिया गया है, 2 महीने के अंदर ये काम किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र को 1,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा। दूसरा, हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले, इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1,000 करोड़ रुपया आता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2,300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है, और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। साथ ही सरकार रक्षा के क्षेत्र में भी बड़े सुधार की तरफ बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है।
वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए, ताकि वर्ष प्रतिवर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉरपोरेटाइजेशन के निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा, इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा, जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ वर्षों में किया है। अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी किस तरह से सहभागी हो, कैसे वो भागीदार बने और उपलब्धियों भरा आने वाला समय हो, इसके लिए अंतरिक्ष की गतिविधियों में प्रादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब 30% केंद्र और 30% राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देगी, बाकी सेक्टर्स के लिए ये 20% ही है। सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए वायबिलिटी गैप फंडिंग में। इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30% केंद्र और 30% जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी, और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। उधर विपक्ष ने सरकार की नई घोषणाओं पर एतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण देश की संप्रभुता के खिलाफ है। वहीं सीपीएम ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया है। इंपोर्ट कैसे रोकेगा? जो विदेशी कंपनियां आके आपका उत्पादन करेंगे तो उसका मतलब क्या है? इम्पोर्ट तो वस्तु का होता है, इधर आप पूंजी को ही इम्पोर्ट कर रहे हो। आत्मनिर्भरता क्या बचा आपका? आपके टांगों पर खड़ा रहना ये का हुआ। और ये मेक इन इंडिया की बात तो 6 साल से सुन रहे हैं हम। मेक इन इंडिया के बाद में ये महामारी आने से पहले ही आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हालत क्या थी? आप एक मंदी के ओर फंस गए थे, मंदी में, आर्थिक मंदी में। तो मेक इन इंडिया का हुआ क्या 6 साल में? अब जो है इस महामारी को इस्तेमाल करते हुए लोग मर रहे हैं, उनके जान जा रही है, और ये मौका लेकर आप ये बेइंसानियत बात जो है हमने कभी नहीं देखा। डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सेक्टर है, जिसके सीरियस नेशनल सिक्योरिटी रेमिफिकेशंस हैं। ऐसे सेक्टर में आप एफडीआई की निवेश की सीमा वो भी ऑटोमेटिक रूप से आप बढ़ा रहे हो 49% से 74%। हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर है वो और सेक्टरों से अलग है। ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि ये वक्त किसानों और प्रवासी मजदूरों को कर्ज देने का नहीं, बल्कि सरकार को सीधा किसानों मजदूरों के खाते में पैसा डालना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पैकेज पर दोबारा विचार करना चाहिए। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और इनको एकदम आप पैसा दीजिए। और फिर देखिए, जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे, रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में।
हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। उधर पंजाब में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। पंजाब में अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नॉन कंटेनमेंट जोन में कुछ रियायत दी जाएगी। इसके लिए सूबे को कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट दो जोन में बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पंजाब में करीब 60 NRIs विदेश से आएंगे, ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। साथ ही अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि 10 जून से किसान धान की रोपाई कर सकेंगे। लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है, जिसमें दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मांगी है। अपनी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने कहा कि 33% दुकानें खोलने की शर्त के साथ दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स को भी खुलने की परमिशन दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाए, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसी कई आर्थिक गतिविधियां हैं जिन्हें शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और मास्क लगाने को अनिवार्य किया जाए। अपने सुझावों में सीएम केजरीवाल ने कहा कि सभी बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्स को ऑड इवन नियम के तहत खोला जाना चाहिए। दुकानों के नंबर के आधार पर ऑड इवन नियम लगाते हुए दुकानों को खोले जाने की परमिशन दी जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने फुटपाथ पर बैठकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करने को कहा। हाल ही में राहुल गांधी ने मजदूरों के पैदल अपने घर जाने का एक वीडियो साझा किया था। वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। देवेंद्र जी, आपको यहाँ पे कितने सहायता पहुँचाई? राहुल गांधी जी ने। कब आए थे राहुल गांधी जी? अभी आधे घंटे पहले। अच्छा, क्या क्या सामान मुहैया करवाया आप लोगों के लिए? ये गाड़ी बुकिंग करवाया। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप? ये हम हरियाणा से आए हैं यहाँ तक पैदल, अब ये हरियाणा बॉर्डर पार करवाएंगे। हरियाणा बॉर्डर पार करवाएंगे, आप घर तक छोड़ेंगे? हाँ, घर तक बोला। पीने की मुहैया सामान है इसके अंदर? हाँ। क्या नाम है? मोनू। मोनू जी, कहाँ से कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? हरियाणा से आए हैं, झांसी जा रहे हैं, मऊरानीपुर जाना है हमको। तो यहाँ से आप पैदल, किसने आपकी मदद करी? बोला राहुल गांधी जी ने की मदद। क्या क्या मदद की आपकी उन्होंने? उन्होंने किया कि आपको पैदल ले जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था की, और बोल रहे थे कि आपको पैदल ले भेजेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इस मुश्किल की घड़ी में प्रवासी मजदूरों के साथ है। राहुल जी और कांग्रेस परिवार पहले दिन से ही हम मदद का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मदद करने नहीं दी जा रही, ये बड़े दुख की बात है। हम लोग निरंतर मदद करना चाहते हैं। हमने ये ऑफर भी दिया केजरीवाल साहब को, मोदी साहब के साथ भी, रेल मंत्री साहब से भी कहा है, आग्रह किया है कि प्लीज आप हमें या तो अलाउ कर दीजिए,
बस की परमिशन दे दीजिए, आसपास जो जिले हैं उनमें हम लोगों को भेज सकते हैं, बसों के भेज सकते हैं, नहीं तो हम अपनी गाड़ियों से भेज सकते हैं। आज देख सकते हैं तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, तो हम लोग तैयार हैं, पर ये इनके लिए इस दर्द को समझे। प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के टिकट का खर्च देने के बाद कांग्रेस ने अब मेहनत कशों को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका ने यूपी सरकार से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाने के लिए बस चलाने की अनुमति मांगी है। कांग्रेस दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा सीमा से 500-500 बसें चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्च कांग्रेस वहन करेगी। जैसे जैसे लॉकडाउन लंबा खींचता जा रहा है, लोगों के सब्र के बांध भी टूटते जा रहे हैं। हालत ये है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जो पुलिस से बचने के लिए यमुना नदी पार कर घर जाना चाहते हैं। ये उन मजदूरों की तस्वीर है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं और हरियाणा पंजाब से पैदल ही बिहार जा रहे हैं। वहीं सहारनपुर जिला प्रशासन का कहना है कि मजदूरों को रास्ते में रोक दिया गया है, उन्हें खाना दिया गया है और ट्रेन या बस से घर भेजा जाएगा। हमारे बिहार के सरकार नीतीश कुमार हम लोग से ज्यादा मजबूर थोड़े हो सकते हैं, जो हम अपनी जान को लेकर चल दिए। वो तो खुद वहाँ पे बैठा एसी में हवा खा रहा, हम लोग धूप पानी कीचड़ में चल रहे हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। अब की बार नीतीश कुमार को हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको सत्ते से उखाड़ कर फेंक देंगे और वहाँ पर एक नया नेता को हम वहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ साइकिल पे यहाँ तक आए हैं जी सर। तो कहाँ तक जाना है? बिहार जाएंगे। कितने किलोमीटर है अभी यहाँ से? यहाँ से 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर लगता नहीं है कि कुछ अजीब सी बात है कि 1400 किलोमीटर आप साइकिल पर जाओगे? कितने दिन लगेंगे आपको? सर 10 दिन लग जाएंगे, हम क्या करेंगे? 10 दिन लग जाएंगे जी सर। इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? फैसला सर वहाँ पे काम कुछ है नहीं सर, क्या करें, खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलता सर। अगर कभी काल खिचड़ मिल भी जाता है तो भी पुलिस वाले डंडे मार के लाइन लगाते हैं, पहले मारते हैं फिर खाना देते हैं। ये तो सच है, आए हैं कुछ लोग, जो आए हैं उनको फिर व्यवस्था करी जा रही है। राधा स्वामी सत्संग में भेजा जा रहा है आराम से उनको, जब जब बस के हिसाब से, या यूपी के हैं तो बस से गए हैं काफ़ी, और बिहार के कल और आज भी गए। देश में शहर शहर प्रवासी मजदूर सड़क पर नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में 50 दिन से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद अब प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गए हैं। सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बस चलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर ये दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में प्रवासी मजदूर साइकिल लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। यूपी के गोंडा और बस्ती जाने के लिए प्रवासी मजदूर साइकिल से निकले हैं। पंढरपुर से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चले हैं और हम लोग को यूपी में बस्ती जाना है। कुछ लोग इसमें से महाराजगंज के हैं, महाराजगंज जिले के, और कुछ लोग बस्ती के हैं और दो वाराणसी के हैं। हम लोग लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। अभी 859 किलोमीटर नागपुर से बस्ती दिखा रहा है। हम लोग वही 859 किलोमीटर चल के जाएंगे तो हम लोग बस्ती पहुँचेंगे। उधर से हम लोग का गवर्नमेंट जो क्वारंटीन करेगा तो हम लोग क्वारंटीन होने के लिए तैयार हैं, बस हम अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हमने पंढरपुर से साइकिल खरीद के लाई है और गांव से हम लोग पैसा मंगाया है, वो सेठ नहीं दे रहा है पैसा, ताला मार के रख रहा था गेट में, हम लोग को जाने नहीं दे रहा, चोरी से हम लोग आ रहे हैं भाग के। और ऐसे अब साइकिल रास्ते में पंचर हो जा रहा है, कहीं टूट जा रहा है, ऐसे आता है कहीं मिल जाते हैं तो बनवा लेके आते हैं। अभी हम लोग को आ रहे हैं, खाने का व्यवस्था कहीं कहीं हो रहा है, खाने को मिल रहा है, अभी चलते हैं आराम करते हैं थोड़ा देर। फार्म भरा रहा है, हम लोग जिधर थे उधर फार्म वरम नहीं भरा रहा था, ऑनलाइन किए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। ओ लखनऊ हम लोग बात भी किए थे हेल्पलाइन नंबर पर, कुछ हुआ नहीं। इसके वजह से हम लोग के पास जितना पैसा था साइकिल खरीदे और निकल पड़े हैं। अभी रास्ते में कहीं कहीं खाने को मिल रहा है।
लॉकडाउन की वजह से कई मजदूर पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। ऐसे एक मजदूर उत्तर प्रदेश के संतराम थे जो मुंबई से पैदल उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़े, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंचते ही शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी वहां मौत हो गई। संतराम के निधन के करीब सप्ताह भर बाद उनका बेटा मुंबई से किसी तरह राजगढ़ पहुंचा, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने उनका दाह संस्कार किया। हालांकि इकलौता बेटा होने के बावजूद मुखाग्नि नहीं दे पाया। औरैया सड़क हादसे में हुई 24 लोगों की मौत पर यूपी सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही लापरवाही पर एक्शन लेते हुए कानपुर और इटावा सीमा के 2 थानाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मथुरा आगरा जहां से वो होकर आए थे वहां के SSP, ASP और आगरा के AD जोन से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार को सुबह ट्रक और DCM की टक्कर हो गई थी, जिसमें 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई जबकि 36 अन्य मजदूर घायल हो गए। इनमें से 15 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को सैफई के PGI में भर्ती कराया गया है। वास्तव में दुखद है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो SHO थे उनको निलंबित किया है कि SSP और ASP और AD जोन से आगरा के उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। 1 लाख रुपया जो मृतक हैं उनको और 50,000 रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश। औरैया और मुजफ्फरनगर में सड़क हादसों के बाद यूपी सरकार ने पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। मजदूरों से भरे ट्रक को यूपी की सीमा में एंट्री नहीं मिलेगी। इसे लेकर मेरठ की कमिश्नर और IG ने कई इलाकों का दौरा किया और नाके पर सुरक्षा का जायजा लिया। मेरठ की कमिश्नर अनिता श्री मेश्राम ने कहा कि अब सिर्फ मजदूरों के बसों को ही जाने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही सड़क किनारे भी मजदूर को पैदल नहीं चलने दिया जाएगा, उन्हें नज़दीकी आश्रय स्थल भेजा जाएगा जहां से उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रक में कोई नहीं जा रहा है, बिल्कुल उसको रोका गया है और सभी जितने पुलिस के अधिकारी हैं उनको बड़े स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से कोई नहीं भेजा जाएगा। बसेज में भी जो भेजा जाएगा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उसको मेंटेन करते हुए भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क हादसे में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। सागर में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 15 मजदूर घायल हुए हैं। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। RKDF यूनिवर्सिटी अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF रैंक यूनिवर्सिटी एंड बिकम CEO ऑफ योर कंपनी। एट RKDF यूनिवर्सिटी वी फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। कोर्सेज ऑफरिंग BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. विजिट RKDF यूनिवर्सिटी एट गांधीनगर भोपाल और कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1-800-270-320। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बारे में सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। आदेश के मुताबिक अग्रिम आदेश तक उत्तर प्रदेश में NPR की प्रक्रिया से जुड़े सभी काम स्थगित रहेंगे। आपको बता दें कि NPR को लेकर काफी हंगामा मचा था। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने NPR का विरोध किया था। विपक्ष NPR को NRC का ही एक चरण बता रहा था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल में सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी है, जिससे जहां तहां कूड़े का अंबार लग गया है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि वे जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, ऐसे में भी ठेकेदार उन्हें पैसा नहीं दे रहे। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से कोविड वार्ड में भी सफाई नहीं हुई है। हमारे में सर को भी कई बार अवगत करा चुके हैं और हमारे सुपरवाइजर को भी अवगत करा चुके हैं और ऊपर ऑफिस में जो बाबू है अकाउंटेंट उनसे भी हम कई बार बात कर चुके हैं और उन्हीं के आश्वासन पे हम काम पर भी चले गए। फिर क्या हुआ? लेकिन अब हमारा
गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, इसलिए अति हो गई है, इसके कारण हम काम बंद कर रहे हैं। देखिए ये क्या कि हमारा जो ऑफिस है ना वो भी अभी क्लोज है इंदौर में, है ना, और कहीं भी दूसरे विभागों में फंड की व्यवस्था है ही नहीं क्योंकि दूसरे विभाग खुल ही नहीं रहे, तो यहाँ से जब फंड जाता है तभी हम लोग सैलरी करते, और सैलरी फंड इस बार क्या हुआ, हर बार हमको चेक मिलता है, इस बार ट्रेजरी से कर रहे हैं जो, तो अभी इनका अरेंज करवा दिया है, हो जाएगी सैलरी। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे जमातियों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रह रहे असम के 69 जमातियों को उनके घर बस से रवाना किया गया। जमातियों ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में सरकार ने अच्छा इंतजाम किया था, केंद्र और दिल्ली सरकार ने सभी जमातियों की बहुत अच्छी देखभाल की, खाने पीने और इलाज को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ ही इन लोगों ने यह भी कहा कि जमातियों के बारे में बिना कुछ जाने अफवाह फैलाना गलत है। इनका कहना है कि निजामुद्दीन मरकज में हर सुरक्षित थे और वहां कोरोना आने का खतरा नहीं था। हम जितना भी तारीफ करें दिल्ली सरकार को या सेंट्रल सरकार को उतना भी कम है, हमारे पास लफ्ज नहीं है, इतना हमारा खिदमत किया, इतना हमारा सेवा किया, हमारे पास लफ्ज नहीं है उनको तारीफ करने का, बहुत बेहद खुश है हम। देखो मैं गलत सही नहीं बता रहा हूँ, ये किसी का मैं तहमत नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम छुपा नहीं थे, हमारा मरकज में 95 साल से आदमी जाते रहता है, इस सरकार का पता है, हम कोई छुपने वाला इंसान नहीं है, खुल्लम खुल्ला रहने वाला है, लेकिन हमारा वहाँ से जो निकल के ले गया हमारा कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई हमारा बदनाम किया मैं उसका बारे में मैं ही बोलना चाहता हूँ, उसको भी हिदायत दे, वो भी मरकज में आए, चार दिन बैठे वहाँ पे खाना खाए, वहाँ का हर आमूल देखे, लेकिन बगैर देखे किसी का चर्चा करना ये अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क निर्माण के नाम पर बड़ी धांधली सामने आई है। गांव वालों का आरोप है कि रास्ते को PCC कराने के लिए सरपंच सचिव ने बिना काम कराए 4.5 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी कर ली है। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान PDS गोदाम के निर्माण पर 3 लाख रुपए निकाल लिए। गाँव वालों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। चार लाख 23 हजार रुपए का राशि आहरण कर लिए और रोड जो है 2019 में स्वीकृत है, उसके राशि निकाल के आज तक गमन कर लिए, और रोड कहाँ बना किसी को कोई पता नहीं है, किस पन्ने में बना है, किस रोड बना है, कहाँ बना है, उसके लिए हम लोग नहीं जानते हैं सीमाएं। दूसरा चीज 2,70,000 रुपये लॉकडाउन में आया है ये पंचायत व्यय करने के लिए, वो राशि कहाँ व्यय हुई है हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। आपको कैसे पता चला कि 2,70,000 आया है? वो हम लोगों को सूचना किसी के माध्यम से जो है मिला है, यदि हम लोग असत्य कर रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटे भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस महामारी से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और उनमें से कई हैं वे हैं जो वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं। साथ ही ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर की मदद देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि हम इस महामारी के वक्त भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। बता दें कि अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत में वेंटिलेटर्स भेजने की घोषणा का पीएम मोदी ने स्वागत किया और इसके साथ उन्हें धन्यवाद भी दिया। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जितना संभव हो सके सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि दुनिया को स्वस्थ और कोरोना मुक्त बनाया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।